अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट जो रह गए थे चैप्टर फॉर न्यूमेरिकल 4.7, अ पिक्चर फ्रेम इज हैंगिंग, फ्रेम इज हैंगिंग। एक पिक्चर फ्रेम है जो कि लटकाया गया बाय टू वर्टिकल स्ट्रिंग। द टेंशन इन द स्ट्रिंग आर जो टेंशन होगी स्ट्रिंग में 3.8 न्यूटन एंड 4.4 न्यूटन। फाइंड द वेट ऑफ द पिक्चर फ्रेम। इसका हमने वेट फाइंड करना। सॉल्यूशन, अब इस न्यूमेरिकल के अंदर अ पिक्चर फ्रेम इज हैंगिंग, एक पिक्चर फ्रेम है ये, बाय टू वर्टिकल स्ट्रिंग्स, दो वर्टिकल स्ट्रिंग के साथ यूं लटकाया गया। द टेंशन इन द स्ट्रिंग्स आर, एक स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो 3.8 है न्यूटन, दूसरे में टेंशन जो है वो 4.4 न्यूटन है। फाइंड द वेट ऑफ पिक्चर फ्रेम, वेट फाइंड करना। वेट जो है फोर्स है जो कि ऑलवेज एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, जिसकी डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड नीचे की तरफ वर्टिकली होती है, ये हमने वेट फाइंड करना। डब्ल्यू वेट भी एक फोर्स है, ये हमने फाइंड करना। ये फ्रेम है, एक पिक्चर फ्रेम जो कि दो रस्सियों के साथ बांधा गया, जो रस्सियों के साथ बांधा गया तो इसमें ज़्यादा टेंशन होगी अपवर्ड ऊपर की तरफ। वो टेंशन दोनों रस्सियों में, एक में 3.8 है न्यूटन, दूसरे में 4.4 न्यूटन है। फाइंड वेट करना इस फ्रेम का। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर ये स्टिल है, रेस्ट में है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की पहली कंडीशन के मुताबिक सम ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू ज़ीरो, समीशन एफ इज इक्वल टू ज़ीरो बाई फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम के मुताबिक समीशन एफ, ये जो है सिग्मा एफ, ये किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के इक्वल होगा। अगर ये रेस्ट में है, कोई बॉडी रेस्ट में है, तो फर्स्ट कंडीशन इक्विलिब्रियम की सेटिस्फाई कर रही है कि वो इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब सम ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू ज़ीरो, सम ऑफ फोर्सेस ज़ीरो होंगी, समीशन एफ इज इक्वल टू ज़ीरो, ये ज़ीरो का इक्वल आ गया। अब जब कोई बॉडी रेस्ट में है, सिग्मा एफ यानी सम ऑफ फोर्सेस ज़ीरो के बराबर आ जाए, तो इसका मतलब ये होता कि वो फोर्सेज जो हॉरिजॉन्टली अप्लाई हो रही उनका सम भी ज़ीरो है, और जो फोर्सेज वर्टिकली अप्लाई हो रही उनका सम भी ज़ीरो है। यानी समीशन सिग्मा एफ एक्स ये भी ज़ीरो का इक्वल है, और सिग्मा एफ वाई ये भी ज़ीरो का इक्वल है। इसके बाद ये दो बातें हमने की थी जब फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम पढ़ा था, डिटेल से बातें की थी कि इसका क्या मतलब है। अब जस्ट फार्मूला यूज़ करना कि फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम समीशन एफ सिग्मा एफ इज इक्वल टू ज़ीरो, जब सिग्मा एफ ज़ीरो का इक्वल है, इसका मतलब सिग्मा एफ एक्स जो वो फोर्सेज जो हॉरिजॉन्टली अप्लाई हो रही हैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वो भी ज़ीरो हैं उनका सम, और वो फोर्सेज जो कि वर्टिकली अप्लाई हो रही उनका सम भी ज़ीरो है। ये इसके बाद हमने दो केस लिए थे फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम में, वही मैं यूज़ करने जा रहा हूँ। अब ये वाला जो पहला केस है कि सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, अब देखा जाए इस फ्रेम पे एक्स एक्सिस के अलोंग क्या यू कोई फोर्स अप्लाई हो रही, इस तरफ नहीं, इस तरफ नहीं, ना इस तरफ ना इस तरफ, बिल्कुल करेक्ट है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि सिग्मा एफ एक्स ज़ीरो के बराबर है,
क्योंकि हॉरिजॉन्टली कोई फोर्स ही नहीं अप्लाई हो रही, तो वाकई जब हो ही नहीं रही, कोई ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर फोर्स कोई अप्लाई नहीं हो रही किसी खास डायरेक्शन में, इसका मतलब उस डायरेक्शन में फोर्सेस का सम जीरो होगा। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलावा कोई फोर्स हॉरिजॉन्टली इस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, जब हॉरिजॉन्टली कोई फोर्स ही नहीं अप्लाई हो रही तो सम जब इन फोर्सेस का इन डायरेक्शन में लेंगे जिनमें अप्लाई ही नहीं हो रही तो सम जीरो ही आएगा क्योंकि फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, इसलिए ये तो हो गया। अब दूसरी रह गई बात, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो हो चुका, अब दूसरी कंडीशन सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू जीरो यानी वाई एक्सिस के लॉन्ग वर्टिकली फोर्सेज जो हैं उनका सम भी जीरो होना चाहिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक। अगर यूं है तो वर्टिकली कौन कौन सी फोर्सेज अप्लाई हो रही, एक फोर्स ऊपर की तरफ 3.8 न्यूटन, दूसरी फोर्स भी ऊपर की तरफ 4.4 न्यूटन, तीसरी फोर्स नीचे की तरफ डाउनवर्ड वो है W, इन तमाम फोर्सेस का सम जीरो होना चाहिए, इसका मतलब ये है सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू जीरो। तो तमाम फोर्सेस को ऐड करते हैं, W ये वाली फोर्स प्लस ये वाली फोर्स प्लस ये वाली फोर्स इज इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, जब जीरो होगी तब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो W जो कि डाउनवर्ड फोर्स है इसको ऐड करना इन दोनों फोर्सेज में और सम जीरो के बराबर हम लेंगे। इसी तरह हम वेट फाइंड कर सकते हैं प्लस, अब W डाउनवर्ड है ग्रेविटी भी डाउनवर्ड होती है तो इसको हमने पॉजिटिव ले लिया, ये 3.8 ऊपर की तरफ है अगेंस्ट द ग्रेविटी तो इसको हम नेगेटिव लेंगे -3.8, प्लस ये 4.4 ये भी ऊपर की तरफ अपवर्ड अगेंस्ट द ग्रेविटी 4.4 और ये भी नेगेटिव लेंगे, नीचे वाली को पॉजिटिव ले लिया क्योंकि इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है ग्रेविटी को मद्देनजर रखते हुए, डाउनवर्ड है तो पॉजिटिव ले लिया, इन दोनों को नेगेटिव ले लिया इज इक्वल टू जीरो। W प्लस माइनस माइनस 3.8 प्लस माइनस माइनस 4.4 इज इक्वल टू जीरो। W आगे माइनस माइनस प्लस होता, 3.8 में 4.4 जब ऐड किया 3.8 प्लस 4.4 आ गया 8.2। अब माइनस का साइन 4.4 बढ़ी है इसके साथ माइनस का साइन, तो यहाँ पे भी माइनस आ गया इज इक्वल टू जीरो। अब 8.2 माइनस का है उधर जाके प्लस का हो जाएगा, W इज इक्वल टू 8.2, W वेट है और ये एक फोर्स ही होती तो इसका यूनिट न्यूटन, यानी वेट इसका कितना है 8.2 न्यूटन है इस फ्रेम का वेट। अब मैं बुक से कंपेयर कर लूँ, 8.2 न्यूटन एब्सोल्यूटली राइट, बिल्कुल हमारा दुरुस्त आंसर आया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल 4.9, अ नट हैज बीन टाइटन्ड एक नट है जिसको टाइट किया गया बाय फोर्स ऑफ कितनी फोर्स अप्लाई करते हुए 200 न्यूटन यूजिंग 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर लिया, व्हाट लेंथ ऑफ स्पैनर कितनी लेंथ होगी स्पैनर की, इज रिक्वायर्ड टू लूजन द सेम नट नट वही है विद 150 न्यूटन फोर्स। सॉल्यूशन
क्या बात कर रहा, क्या नट हैज़ बीन टाइटन्ड बाई अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, फोर्स अप्लाई की गई 200 न्यूटन नट को टाइट करने के लिए यूजिंग 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर, जो कि स्पैनर की लेंथ 10 सेंटीमीटर है, आर से रिप्रेजेंट करते हैं 10 सेंटीमीटर, तो इसको पहले मीटर में कन्वर्ट कर लें, सेंटीमीटर में या मीटर में कन्वर्ट करेंगे यानी 100 पे डिवाइड करो, क्योंकि एक मीटर 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, जब सेंटीमीटर से मीटर में जाना तो डिवाइड करते हैं, क्योंकि सेंटीमीटर छोटी क्वांटिटी या मीटर बड़ी, छोटी से बड़ी में जाना डिवाइड करना, एक जीरो से जीरो कैंसिल, 1 डिवाइडेड बाई 10 0.1 आ गया आंसर, जब कैलकुलेटर पे करेंगे यही आएगा 1 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 0.1 मीटर, यानी हमारे पास आर आ चुका है। लेंथ ऑफ अ स्पैनर, व्हाट लेंथ ऑफ स्पैनर इज रिक्वायर्ड टू लूजन द सेम नट विद 150 न्यूटन फोर्स। अब कहता है एक और स्पैनर लेना कि उसके ऊपर जो फोर्स है वो 150 न्यूटन लगानी, पहले कितनी है 200 न्यूटन, फिर कितनी लगानी 150 न्यूटन, तो उसकी लेंथ क्या होगी, ज़ाहर है लेंथ बढ़ानी पड़ेगी, उसी नट को सेम नट है उसको खोलने के लिए अगर फोर्स हमने कम की है तो लेंथ बढ़ानी पड़ेगी, अदरवाइज यूँ नहीं होगा, क्योंकि उसी को अब हमने लूज़ करना है, खोलना है, टाइट कर दिया गया, तो जब नट को स्पैनर के साथ यूँ, एक नट है ये स्पैनर हो गया, स्पैनर डाला और यूँ इसको जब घुमाना था फोर्स अप्लाई करके, तो जब स्पैनर को डाल के नट के अंदर घुमाया जाता है टॉर्क प्रोड्यूस होती है, टा इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ यानी आर एफ, तो आर 0.1 मल्टीप्लाई बाय एफ फोर्स 200 न्यूटन। अब इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंस कितना आ जाएगा 20 न्यूटन, टा आ गया, ये टा वन इसे कह लेते हैं कि ये वो टॉर्क आई जो कि प्रोड्यूस हुई जब फोर्स 200 न्यूटन लगाई इसको टाइट करने के लिए, बाद में इसे लूज़ भी किया गया, जब लूज़ किया तब फोर्स कितनी लगाई 150 न्यूटन, तो इसको एफ वन कह देते हैं, अगर इसी को इसको जस्ट एफ कहा था इसको एफ वन कह देते हैं, तो ये वो फोर्स है जब नट को लूज़ करना है 150 न्यूटन फोर्स अप्लाई की, फाइंड क्या करना आर फाइंड करना, तो आर पहले कह दिया इसे आर वन कह देते हैं, इसके लिए जो टॉर्क होगी क्या होगी, टा इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, तो आर वन क्रॉस एफ वन कह देते हैं, ये वो टॉर्क होगी जो कि प्रोड्यूस होगी खोलने के लिए नट को, पहली ये वो टॉर्क थी जब उसको हमने टाइट करना था, अब ये वो टॉर्क होगी जब उसको हमने लूज़ करना है खोलना है, टा इज इक्वल टू आर वन क्रॉस एफ, अब आर वन एफ वन भी कह सकते हैं, आर वन एफ वन, एफ वन फोर्स 150 न्यूटन, आर वन एज इट इज़, इधर टा जो है ये वाला, यहाँ पे टा 20 न्यूटन, टॉर्क सेम प्रोड्यूस होगी क्योंकि वो नट सेम है, उसको जब हमने खुद से ही टाइट किया बाद में लूज़ करना तो टॉर्क सेम प्रोड्यूस होगी, यानी टा वन इक्वल होगा टा टू इज इक्वल टू टा, टा वन इज इक्वल टू टा टू इज इक्वल टू टा, यानी ये वाले जो टॉर्क्स प्रोड्यूस होंगी जब 200 फोर्स लगाएंगे उसकी लेंथ कम है टॉर्क प्रोड्यूस हुई, 150 न्यूटन फोर्स लगाई तो लेंथ बढ़ा देंगे उससे भी सेम टॉर्क प्रोड्यूस होगी, तो इसीलिए टा वन इज इक्वल टू टा टू इज इक्वल टू टा, तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूँगा इस टॉर्क की जगह पे, क्योंकि टॉर्क की हम वैल्यू फाइंड कर चुके हैं वो किसके इक्वल है 20 न्यूटन, यहाँ पे 20 आ गया, अब 150 इधर आर वन से मल्टीप्लाई हो रहा उधर जाकर डिवाइड करेगा, 20/150 इज इक्वल टू आर वन, आर वन इज इक्वल टू 20/150, 0 से 0 कैंसिल, 2/15, तो आंसर आ गया 0.1333, यूँ आ गया आंसर, तो किस में आया ये मीटर में, ये मैंने मीटर में कन्वर्ट किया था, ये मीटर में आया, इसको सेंटीमीटर में ले जाते हैं, एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, जब मीटर से सेंटीमीटर में जाना तो मल्टीप्लाई करें, सेंटीमीटर से मीटर में जाना तो 100 पे डिवाइड करें, मीटर से सेंटीमीटर में जाना तो 100 से मल्टीप्लाई करें, ये मीटर में आया आंस, सेंटीमीटर में जाना 100 से मल्टीप्लाई करें, आर वन इज इक्वल टू 0.133 मल्टीप्लाई बाई 100, जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे आंस आ जाएगा 13.33
सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। हमने डिस्टेंस फाइंड कर लिया, वो जो कह रहा था तकाजा उसने किया था, व्हाट लेंथ, क्या लेंथ होगी, वो लेंथ होगी जी 13.33 सेंटीमीटर। इससे हम खोलेंगे, 150 न्यूटन फोर्स अप्लाई करते हुए तो जो टॉर्क प्रोड्यूस होगी वो सेम होगी जब 200 फोर्स न्यूटन जो है हमने फोर्स अप्लाई की थी और उसकी लेंथ थी 10 सेंटीमीटर। अब हमारे पास आंसर आया है 13.33 सेंटीमीटर, बिल्कुल करेक्ट है आंसर हमारा। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, अ ब्लॉक ऑफ मास 10 किलोग्राम, अ ब्लॉक ऑफ मास 10 किलोग्राम इज सस्पेंडेड एट अ डिस्टेंस, सस्पेंडेड एट अ डिस्टेंस, जिसको हमने सस्पेंड किया, लटकाया डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्म बार वन मीटर लॉन्ग यूनिफॉर्म बार से लटकाया जो कि 1 मीटर लंबा था, उसकी लेंथ थी। व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू बैलेंस किस कदर फोर्स चाहिए कि हम इसे बैलेंस कर सकें। It is at its center of gravity by applying the force at the other end, दूसरे एंड पे, of the bar solution. अब अ ब्लॉक ऑफ मास 10 किलोग्राम इज सस्पेंडेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर कह रहा, एक ब्लॉक था जिसका मास 10 किलोग्राम है, इसको लटकाया गया 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्म बार 1 मीटर लॉन्ग। एक यूनिफॉर्म बार लोहे का कह लें, रॉड टाइप है, जो कि लेंथ के एतबार से 1 मीटर है, 1 मीटर लॉन्ग, यानी सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर के इक्वल है। इसके जो 10 किलोग्राम था सस्पेंडेड एट द डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्म बार, इसके सेंटर से 20 सेंटीमीटर के फासले पे, यानी यहाँ पे इस मैस को लटका दिया गया, ये रहा मैस। मैस कितना है? 10 किलोग्राम। 10 किलोग्राम एक मैस है जिसको लटकाया गया कहाँ से, इस बार के सेंटर से इस पॉइंट तक के इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है, यानी ये वाला जो डिस्टेंस है इस सेंटर से लेके यहाँ तक ये वाला डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, वो ये कह रहा। व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू बैलेंस इट एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाई अप्लाइंग द फोर्स एट द अदर एंड ऑफ द बार। अब यहाँ पे इसको लटकाया हुआ तो इसका वेट फोर्स का किस तरफ होगा, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ, वेट फोर्स डाउनवर्ड होगा नीचे की तरफ। तो जब डाउनवर्ड होगा नीचे की तरफ तो यहाँ पे ये बार जो है ये ऊपर की तरफ यूँ उठेगा, ऊपर की तरफ यूँ है, अगर एक तरफ लटका दी जाए कोई चीज़ तो यूँ ही होना, अगर इधर लटकाई गई चीज़ फो वेट एक फोर्स है नीचे की तरफ होगा यूँ उठेगा, ये यहाँ पे तो टॉर्क प्रोड्यूस हो रही है इस वेट की वजह से, इस मास की वजह से जिसके वेट फोर्स डब्ल्यू है,
तो टॉर्क प्रोड्यूस हो रही है, वो यही कह रहा बताइए कि दूसरे एंड पे इस पॉइंट पे कितनी फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी इस पॉइंट पे दूसरे एंड पे यहाँ पे कि हम इसे घूमने से बचा सकें, यहाँ पे जो है रोटेशन ना हो कितनी फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी कि ये बैलेंस कर दे, व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू बैलेंस, कि बैलेंस हो जाए। इसका मतलब यहाँ पे सम ऑफ टॉर्क्स जो होगी इक्वल टू जीरो करनी पड़ेगी, फिर होगा न्यूमेरिकल। तो देखते हैं कि ये जो वेट है W जिसका मास 10 किलोग्राम है, इसका वेट कितना, पहले तो ये चेक कर ले वेट, क्योंकि वेट एक फोर्स है, इस फोर्स की वजह से ही टॉर्क प्रोड्यूस होगी। तो टॉर्क को फाइंड करने से पहले हम ये देख लें कि वेट कितना है, वेट एक फोर्स होती है, W इज इक्वल टू ये फोर्स है F, वेट एक फोर्स है F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू, और W किसके इक्वल होता है mg के, द रिलेशन बिटवीन मास एंड वेट W इज इक्वल टू mg। तो W इज इक्वल टू mg, m मास, मास कितना है इसका 10 किलोग्राम, मास m 10 किलोग्राम, तो m की जगह पे 10 आ गया। आगे g ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन, इसकी वैल्यू भी 10 नहीं होती है हमें इल्म है, W इज इक्वल टू 10, 10s आर 100, इनको मल्टीप्लाई किया 100 न्यूटन आ गया, यानी इसका वेट फोर्स जो है वो 100 न्यूटन है। वेट फोर्स का हमें इल्म हो गया F, वेट फोर्स W किसके इक्वल आया 100 न्यूटन, ये हमने फाइंड कर लिया। इसकी वजह से टॉर्क कितनी प्रोड्यूस होगी, अब ये फाइंड करना जाहिर है, अगर कोई चीज़ लटका दी जाए इधर इस एंड पे या इधर सेंटर पे, यहाँ पे फिक्स है, नीचे की तरफ जाए तो इसने रोटेट तो होना, क्योंकि चीज़ लटकाई उसका वेट है, मैस है तो वेट है, ज़मीन उसे अट्रैक्ट कर रही, वेट क्या होता, वेट वही फोर्स होती है जिससे अर्थ अट्रैक्ट करे उसको अपनी तरफ, वो वेट होगा, तो अर्थ इसे अट्रैक्ट कर रहा है, यानी वेट एक फोर्स है तो इसको अट्रैक्ट कर रहा, इसकी वजह से इसमें रोटेशन प्रोड्यूस होगी, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स यानी टॉर्क प्रोड्यूस होगी। तो टॉर्क देखते हैं, इस वेट जो कि W किसके इक्वल आया 100 न्यूटन, इस वजह से किस कदर टॉर्क प्रोड्यूस होती है ये चेक करना है। टा इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ यानी आर एफ भी कह सकते हैं हम, आर डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक वो कितना है 20 सेंटीमीटर, हम इसे पहले मीटर में कन्वर्ट कर लें, यानी आर जो है इक्वल है 20 सेंटीमीटर, इसे जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे 20 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 पे डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 डिवाइडेड बाई 10, तो वहाँ से आ गया 0.2 मीटर। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारे पास लेंथ आई है वो 0.2 मीटर है, आर यानी 0.2 मीटर। F फोर्स वो कितनी आई है 100 न्यूटन, 100 न्यूटन, इनको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, टा इज इक्वल टू 100 को जब 0.2 से मल्टीप्लाई किया तो 20 आ जाएगा न्यूटन मीटर। हमने फाइंड किया यहाँ पे टॉर्क फाइंड की, जब मल्टीप्लाई किया 0.2 मल्टीप्लाई बाई 100, बिल्कुल 20 आ गया न्यूटन मीटर। ये टॉर्क प्रोड्यूस हुई है किस फोर्स की वजह से, इस वेट फोर्स की वजह से, लेकिन उसने ये कहा बताइए कि यहाँ पे कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी कि हम इसे बैलेंस कर सकें, इसको हमने बैलेंस करना है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, इस पर कितनी फोर्स लगेगी कि हम इसे बैलेंस कर सकें, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे किस कदर हमें फोर्स चाहिए ये देखना। तो ये वो फोर्स होगी, इसने फोर्स अप्लाई हो रही तो इसकी वजह से भी टॉर्क प्रोड्यूस होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए, यहाँ से लेके इस पॉइंट तक ये टोटल कितना है 1 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हाफ है, सेंटर से लेके यहाँ तक हाफ, तो हाफ कितना होगा 1 का हाफ 1/2 यानी 0.5, तो ये वाला जो होगा 0.5 मीटर होगा, टोटल 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर, टोटल है 100 सेंटीमीटर, इसका हाफ कितना यहाँ से लेके यहाँ तक हाफ, इसको 2 पे डिवाइड करवा दो, 2 1s are 2, 2 50s are 50 सेंटीमीटर, अब सेंटीमीटर है इसको मीटर में कन्वर्ट करना तो 100 पे डिवाइड करवा दो, 0 से 0 कैंसिल, 5 divided by 10 0.5 मीटर में कन्वर्ट हो गया, यूँ हमारे पास आ गया 0.5 मीटर, जो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, टोटल लेंथ 1 मीटर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हाफ 0.5 मीटर ही होगी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ है वो हमें इल्म है 0.5 मीटर है, ये वाला इसे R2 कह देते हैं 0.5 मीटर। इसकी वजह से भी टॉर्क प्रोड्यूस होगी, टा इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, R2 क्रॉस F2 कह देते हैं, R2 यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 0.5, तो ये मैंने वैल्यू लिख दी, मल्टीप्लाई बाई
F2 यही तो फोर्स फाइंड करनी है, तो वैसे ही आ गया। ये टॉर्क, टॉर्क की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, वो है आया 20 न्यूटन मीटर, क्योंकि ये टॉर्क्स जो हैं अपोजिट प्रोड्यूस करेंगे तभी एक दूसरे को कैंसिल कर सकेंगे। तो इसीलिए सम ऑफ टॉर्क्स इज इक्वल टू जीरो, वही दूसरी कंडीशन इक्विलिब्रियम की। तो ये 0.5 इधर F2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा इज इक्वल टू F2 20 डिवाइडेड बाई 0.5। तो आंसर आ गया 40। F2 फोर्स जो है वो 40 न्यूटन हो गए। अब मैं आंसर चेक कर लूँ कि आया क्या 40 न्यूटन है। बिल्कुल करेक्ट है हमारा आंसर, 40 न्यूटन फोर्स होगी जो कि इसे बैलेंस कर देगी, यूँ ये फिर रेस्ट में रहेगा, बैलेंस कर देगी इसकी टॉर्क को, जो कि यहाँ पे वेट फोर्स है डाउनवर्ड अप्लाई हो रहा, तो इसकी वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस हुई है वो 20 न्यूटन मीटर है। फोर्स यहाँ पे कितनी, वेट फोर्स 100 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए जो फोर्स दरकार होगी वो 40 न्यूटन होगी। चलें जी, ये था हमारा आज का टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।